और अभी हम लोग उसी खेत में आ गए हैं जिसका वीडियो आपने आज से 10-15 दिन पहले देखा था, मैंने बताया आपके लिए अभी। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे किसान भाइयों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल योगेश ब्लॉग में। और आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, पीछे हमारा आलू का खेत है और आलू की चल रही है स्प्रे, और आप लोग देख रहे हैं बहुत सारी दवा लगा रहे हैं हम। हर दवा के बारे में हम आपको अलग अलग बताएंगे। और आप लोग देख रहे हैं अपने दूसरे खेत में स्प्रे चल रही है। ये मैंने इससे पहली वीडियो में आपके लिए दिखाया था जो स्प्रे हो रहा था, आज से लगभग 15-20 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा था वो। अब ये वो वाला खेत नहीं है अपना, ये दूसरा खेत है। ये 1 एकड़ से लगभग थोड़ा ज़्यादा है, वो वाला 1 एकड़ से थोड़ा कम था। और ये हमारे आलू में तीसरा स्प्रे चल रहा है। पहले वाला स्प्रे जो किया था मैंने आपको बताया था क्या क्या दवा लगाया था हमने उसमें, और इस वाले स्प्रे में भी हम लोग आपको बताएंगे कौन कौन सा दवा लगा रहे हैं। और टोटल हमारे पास आलू लगभग 60-70 बीघा आलू है, कुछ मेरा है कुछ ताऊ जी का है। और दूसरी एक और अच्छी बात बताऊं, दवा हमारे को कहीं बाहर से नहीं लेना पड़ता है, हमारे भाई की दुकान है दवा की, वहीं से पूरा दवा आ जाता है। अभी 2-3 दिन से कंटिन्यू स्प्रे चल रहा है, कल भी हुआ है स्प्रे, जो भी कुछ बच गया वो आज हो जाएगा। अभी हम दिखाएंगे, दूसरे खेत में भी स्प्रे करेंगे और आगे जाके आपको दिखाते हैं कौन कौन सा दवा लगा रहे हैं हम लोग। और आप लोग कमेंट बॉक्स में वैसे बताएं दोस्तों हमारा आलू आप लोगों के लिए कैसा लग रहा है। और हमारा लगभग आलू 75 दिन का हो गया ये। और हमारे इधर हमारे गांव में और हमारे आसपास के गांव में कच्चा आलू बिल्कुल ना के बराबर होता है, बल्कि नहीं भी होता है, बिल्कुल नहीं होता है। हमारे यहाँ सब लोग जितने भी किसान हैं सब पक्का आलू करते हैं। अब ये फरवरी के लास्ट में मार्च के स्टार्ट में खुदरा शुरू हो जाएगा। और ये दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, बंदर खराब कर रहा है इसके आलू के लिए। और हमने सही के लिए तो आपके लिए उपचार बताया था, उससे थोड़ा लाभ हुआ हमारा, पर 100% नहीं हुआ, फिर भी सही से बहुत ज़्यादा लाभ हुआ था जो हमने आपको ट्रीटमेंट बताया। और हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देंगे, आप लोग देख सकते हैं क्या करा हमने क्या नहीं करा। बंदर का कोई सॉल्यूशन हाथ नहीं आ रहा अभी हमारे, आएगा तो हम आप लोगों को लिए बताएंगे। ये पूरा खोद का नुकसान कर दिया है दोस्तों, पूरा पेड़ वगैरह उखाड़ दिए। और अभी हम लोग उसी खेत में आ गए हैं जिसका वीडियो आपने आज से 10-15 दिन पहले देखा था, मैंने बताया आपके लिए अभी। उसी खेत में आज ही हमारा तीसरा स्प्रे हो रहा है, टोटल तीसरी बार स्प्रे हो रहा है। और हम उस स्प्रे में भी मैंने बताया था क्या क्या लगाया, इस स्प्रे में भी मैं आपके लिए अवश्य बताऊंगा क्या क्या हम लोग लगा रहे हैं। स्प्रे हो गया है अपना स्टार्ट, पहली टंकी लगनी शुरू हो गई है। और आलू देखिए, उस वाले से हमारे को बहुत ज़्यादा फायदा मिला जो मैं बता रहा था आपके लिए, पत्ता खराब हो रहा है वो अभी पत्ता कहीं भी खराब नहीं हो रहा है। पत्ते में छेद वगैरह हो रहा था, पत्ता खराब हो रहा था, फंगस जैसे बोलते हैं, जो हमने पहले स्प्रे करी थी उससे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। और आप देख रहे हैं इस खेत के अलावा भी हमारे पास 5-6 खेत और हैं जो 1-1 एकड़ से ऊपर के हैं, सभी में आलू है। और ये हमारी मोटर वाली मशीन है जो पहले स्प्रे में भी हमने मोटर वाली से किया था, और ये वाला भी मोटर वाला मशीन पानी का बिल्कुल धुआं बना देता है दोस्तों, भरपूर लाभ मिलता है, हर पत्ते तक पानी पहुंचता है। और बहुत ही बैटरी वाले का प्रेशर बहुत कम होता है और हाथ वाली का उससे भी कम होता है। और ये जो इंजन वाली मशीन है पेट्रोल वाली, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और मैंने पहले भी बताया था आपको, अभी भी बता रहा हूँ, किसी भी किसान के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है हमारे इधर मशीनों वाली, उसकी खुद की मशीन है, खुद का पेट्रोल है, खुद का लगाना, टंकी का हिसाब किताब है, 25 रुपये टंकी, 30 रुपये टंकी लगाने का। और एक एक मेरा किसान भाई एक एक दिन में 30-30, 40-40 टंकी ये लगा देते हैं। और अभी आप लोगों ने देखा था हमने अपने खेत की स्प्रे करी, और ये हम जितनी भी दवा लगा रहे हैं सब आपके लिए दिखा रहे हैं। ये हमारा कीटनाशक है, और भी जो भी दवा लग रही है आपको मैं अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये ग्रोथ के लिए है हमारा चमत्कार।
ये सभी को हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो भी नपना होगा, जो भी नापने के लिए होगा, उससे हम टंकी में डालेंगे। ये हमारा स्टिकर है, ये हमारा NPK 5234 है। ये सभी मेरे किसान भाई हैं, इसको 5234 को तो अच्छे से जानते ही हैं, और मैं अच्छे से आपको दिखा रहा हूँ। जो जो लगा रहा हूँ वो सब मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ, क्या क्या लगा रहा हूँ। और अभी हमने सभी दवा लगाई, आपके सामने स्प्रे किया, और आपको सब कुछ बताया हमने कौन कौन सी दवा का क्या क्या काम रहा। और ऐसी ही वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिलती रहती है। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो के लिए लाइक करें, चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को अवश्य शेयर करें, ऐसी जानकारी सभी दोस्तों तक पहुंच सके, सभी किसान भाई इस जानकारी का लाभ उठा सकें। थैंक यू दोस्तों।